हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की हर भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की हर भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के वर्ल्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुत पूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के वर्ल्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुत पूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9.40 करोड़ रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9.40 करोड़ रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सीरीज 2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सीरीज 2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी 2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी 2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी 2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी 2 ने 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9.40 करोड़ रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी 2 में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी 2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी 2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी 2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी 2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी 2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी 2 ने 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9.40 करोड़ रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी 2 में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुत पूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुत पूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के वर्ल्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की हर भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9.40 करोड़ रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में C2 के 12वें दिन के वर्ल्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित C2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार C2 लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म C2 को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए है इंडिया में। फिल्म C2 में श्रद्धा कपूर की हर भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म C2 ने 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9.40 करोड़ रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म C2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। C2 में अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।
आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सी टू के 12वें दिन के बर्ड वाइज कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अमर कौशिक के द्वारा निर्देशित सी टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। रिलीज के 12वें दिन ही इस फिल्म ने सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। आखिर यह श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म का कलेक्शन का रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हर कोई जानता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार सी टू लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह कलेक्शन में स्टार एक्टर के फिल्मों से आगे निकल जाएंगी। फिल्म सी टू को रिलीज हुए 12 दिन बीत चुके हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने 474 करोड़ का कलेक्शन किया है और ओवरसीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए कर लिए हैं इंडिया में। फिल्म सी टू में श्रद्धा कपूर की अहम भूमिका है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी अभिनय किया है। तमन्ना भाटिया और वरुण धवन कैमियो कर रहे हैं। सभी कलाकारों की वजह से फिल्म की चमक बढ़ गई है। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15 अगस्त को फिल्म सी टू ने 55 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हर दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करके आगे बढ़ गई है। रिलीज के पहले प्रीमियर में इस फिल्म ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई की थी। एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म सी टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी शेयर की है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस अद्भुतपूर्ण जीत के लिए हर कोई श्रद्धा कपूर को बधाई दे रहा है। श्रद्धा को हॉरर फिल्म में देखकर फैन काफी खुश है। सी टू ने अक्षय कुमार स्टार की खेल खेल में और जॉन इब्राहिम की वेदा से मुकाबला जीत लिया है।